खान जायका को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब दबाए, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल सेलेक्ट कीजिए। थैंक यू। वेलकम टू खान जायका, मैं हूँ हिना खान। तो आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी चिकन, बिल्कुल रेस्टो स्टाइल, जिसके लिए हमने लिया है 300 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसको हमने स्ट्रिप में कट किया है। उसमें हम डालेंगे सॉल्ट, 1/4 टीस्पून अजीनोमोटो जो बिल्कुल ऑप्शनल है, रेड चिली पाउडर, सोया सॉस, रेड चिली सॉस और 1 एग। 3 बड़े चम्मच हमने ऐड किया है कॉर्नफ्लावर, 2 से 3 बड़े चम्मच हम ऐड करेंगे मैदा, जिससे बहुत अच्छी बाइंडिंग होती है, और 1 बड़ा चम्मच हम ऐड करेंगे रेड फूड कलर, जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा क्योंकि क्रिस्पी चिकन रेड होता है। अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसको मैरिनेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डीप फ्राई कर सकते हो। हम इसको मीडियम हॉट ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि अंदर से चिकन अच्छे से कुक हो और बाहर से अच्छा क्रिस्पी हो। और अगर अब तक आपने खान जायका को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बटन को प्लीज़ सेलेक्ट कीजिए। फ्राई करने के टाइम पे ही आपको पता चल जाएगा कि चिकन जो हमने फ्राई किया है वो बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल जूसी। चिकन जैसे ही कुक हो जाए अच्छे से, हमें इसको निकाल के साइड में रखना है। हम ऑयल कम करेंगे और सेम पैन में हम ऐड करेंगे 2 से बड़े 3 चम्मच गार्लिक के, जिसको हमने बारीक सा चॉप किया है, 1 अनियंस जिसको हमने क्यूब्स में कट किया है। हल्के से सॉटे करेंगे, ओवर कुक नहीं करना, ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना, वरना टेस्ट और जायका बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कैप्सिकम जिसको हमने डाइस किया है, ज़्यादा चॉप ना करें। मीडियम फ्लेम पे हम इसको सॉटे करेंगे और यहाँ पे हम ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे 4 ग्रीन चिलीज़ ऐड किया है, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए उस अकॉर्डिंग और इंक्रीज़ करें। 2 बड़े चम्मच हमने सोया सॉस डाला है, रेड चिली सॉस और विनेगर ऐड किया है। 4 बड़े चम्मच हम ऐड करेंगे सेजवान सॉस के और फूड कलर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। इंग्रेडिएंट्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन किया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। क्रिस्पी चिकन रेड होता है इसीलिए हम फूड कलर ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हम स्प्रिंग अनियंस ऐड करेंगे बारीक काट के, सॉल्ट ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 2 छोटे चम्मच हम यहाँ पे शक्कर के ऐड करेंगे क्योंकि क्रिस्पी चिकन हल्का सा स्वीट होता है। फिर यहाँ पे हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे, आप पानी आपके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो ज़्यादा पानी ऐड कीजिए। जैसे ही ग्रेवी में एक बॉयल आए, हम उसमें कॉर्नफ्लावर की स्लरी ऐड करेंगे। ये स्लरी बनाना बहुत ईजी है, हमने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर में 3 बड़े चम्मच पानी ऐड करके मिक्स किया है, वो हमने ऐड किया है ग्रेवी में, जिससे ग्रेवी और ज़्यादा थिक और गाढ़ी होगी। लास्ट में हम ऐड करेंगे फ्राइड चिकन जो हमने फ्राई किया था, बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है। अगर आप पहले ही ऐड करेंगे तो चिकन बहुत ही सॉगी और सॉफ्ट हो जाएगा। और हम ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियंस, क्योंकि स्प्रिंग अनियंस से टेस्ट और लुक दोनों ही बेहतर होते हैं। परफेक्ट क्रिस्पी चिकन की ये रेसिपी है, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो ट्राई कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।